नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवट न्यूज। खबर मुंगेर से है। मुंगेर में दो किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर के जीएम के द्वारा किया गया सम्मानित। महिला किसान को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से व दूसरे किसान को IARI की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया है सम्मानित। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में जीएम मुकेश कुमार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले दो किसानों को सम्मानित किया गया। पहला तो मशरूम की खेती के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला दिवस के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति ने दिल्ली में बीना देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मुंगेर के जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड के जितियार निवासी बीना देवी की शादी 1991 में प्रखंड के धौरी पंचायत के तिलकारी गांव निवासी कृष्णकांत सिंह से हुई थी। जब बीना देवी ब्याह कर अपने ससुराल आई तो घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल थी। तब इन्होंने अपने ससुराल की जमीन पर खुद से खेती की शुरू की और वर्ष 2013 में ये कृषि विभाग के लोगों के संपर्क में आई और मशरूम की खेती की शुरुआत की और देखते ही देखते ये मशरूम की खेती के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करने लगी। जी हाँ, आपको बता दें विभिन्न जिलों के लगभग 20 गांवों का ये दौरा कर चुकी हैं। लगभग 10,000 महिलाओं को अब तक मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी दे चुकी हैं। इनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब ये खेती एवं मशरूम उत्पादन कर साल में 3 से 4 लाख रुपये की कमाई कर लेती है। आपको बता दें कि वाकई इन्हें सम्मानित तो किया गया, परंतु सरकार अब तक इन्हें माकुल बाजार मुहैया नहीं करवा पाई है। दूसरे किसान जिला की हवेली खड़गपुर प्रखंड के पहाड़पुर गांव के निवासी धनंजय कुमार सिंह हैं। इन्हें 3 मार्च 2020 को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रांगण में इनोवेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, इन्होंने अपने गांव में 1978 से फलों की खेती की शुरुआत की। इनका गांव तलहट्टी और उस वक्त इनके गांव में पानी का घोर अभाव था। आज इन्होंने अपने गांव में समेकित कृषि प्रणाली का विकास करके अपने गांव के किसानों की आय को 8 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पहुंचा दिया है, या यूं कहें तो कृषि को व्यवसाय का रूप दे दिया है। जी, इन्होंने ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर फलों के उत्पादन के लिए 600 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू करवा दिया। आपको बता दें कि इन्होंने आम के एक ऐसे नस्ल का आविष्कार किया है जो एक साथ नहीं पकता है। इस आम के पेड़ में जून माह में मंजर नजर आते हैं और सितंबर माह में पकना शुरू होता है और जनवरी माह तक यह चलता है। ये आम बाजार में 250 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो बिकता है, जिससे गाँव के किसानों की आय दोनी हो गई है। को बताते चले, इनकी इस उपलब्धि के लिए अलग अलग राज्यों के द्वारा इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। खेती में जी सम्मानित किया गया है जी। नारी शक्ति जो है उसे पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्वारा जी। तो महिला को जो है अपने आप में जो है गर्व होना चाहिए, जो है काम करते हुए छोटा जो है काम कभी नहीं समझना चाहिए, छोटा से ही बड़ा होता है। सभी को जो है जहाँ भी जाना है महिला को खुद ही अपने से करना है। शादी हुआ 91 में जी। जब हम नहरा हुआ जितियारपुर, तो वहाँ से जब गए हम तिलकारी ससुरार गांव, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो देखने के कारण जो है खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो जो है अपने से हम खुद खुदरा उठा के जो है अपने से खेती करने लगे खेत में। उससे आमदनी होने लगा, सभी बच्चा को सभी घर परिवार को हम चलाने लगे। और मशरूम का भी 2013 में हम लोग का प्रशिक्षण दिया गया जो है कृषि विज्ञान केंद्र से, मुकेश सर और रीता मैडम इंजीनियर साहब और विश्वविद्यालय सबौर से सभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट वहाँ से भी जाते थे, जाके प्रशिक्षण दिया। तो उसी समय जो है हम खेती करने लगे, तो मशरूम का जो है उपज से और खेती का उपज से दोनों से बेच के 4 से 5 लाख होने लगा सालाना। वही बेच के अभी बड़का लड़का का जिला में BIT स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मंदना लड़का का पटना में पढ़ा रहे हैं, छोटा बेटी का और बेटा का खड़गपुर में पढ़ा रहे हैं रख के, और इंटर का एग्ज़ाम दिया है। अब किन किन इलाकों 10,000 महिला को प्रशिक्षित कर चुके हैं
सभी महिला को मशरूम का भी खेती सिखा चुके हूँ। सभी महिला करती है जो है खड़गपुर कजरा सराय हर गांव में जाके हम प्रशिक्षण देते हैं सभी महिला का आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं? मेरा नाम बीना देवी हुआ, घर तिलकारी हुआ, पति का नाम कृष्णकांत हुआ और पोस्ट प्रखंड हुआ। संधान परिषद के प्रांगण में जिसको IRI कहा जाता है, आदरणीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब के कर कमलों से हमको नेशनल अवार्ड मिला इनोवेशन के क्षेत्र में। 42 वर्ष का सफ़र है। इसके पहले एक साल की खेती करने का अर्थ होता है कि केवल खाद्यान्न की खेती कीजिए, फिर अगले साल करना होगा। 10-20-50 साल की खेती करने का अर्थ है बगीचे का खेती कीजिए, 50 वर्ष तक होगा। और 2-4 पुस्तक अगर खेती करनी होती है, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई का कहना है कि 2-4 पुस्तक खेती अगर करना है तो बेटे का खेती कीजिए जी। ठीक है, इस क्षेत्र में हमने ये किया कि देश की आबादी का 66% लोग शहर की ओर पलायन कर गए हैं, 34% लोग मात्र जो है रह गए हैं गांव में, 34% लोगों के बीच में 9% सीनियर सिटीजन वाले हैं, 25% लोगों की नहीं। और जब तक नवाचार शिक्षा नहीं होगा तब तक वो संभव नहीं है। ये देश के लिए एक चैलेंज है, किया और मैंने सिद्ध करके दिखाया IRI के प्रांगण में। आर्थिक स्थिति तलहटी क्षेत्र था हमारा गांव, वहां केवल बाजरा और कुर्थी का पैदा होता था। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। हम जब पोस्ट ग्रेजुएट होकर गाँव आए तो हमको लगा कि ये तो स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति, इसको कैसे समृद्ध किया जाए, कैसे समृद्धशाली किया जाए ताकि यह इनका बच्चा और आगे जाके जो है सो पढ़ लिख सके। तो मैंने हॉर्टिकल्चर को अपनाया और हॉर्टिकल्चर करते 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 आज उस गांव में 8-10 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, मैंगो ग्राम है, कोई घर ऐसा नहीं है, 600-700 घर है उस गांव में, हर जाति के लोग हैं वहां, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर को साल में कम से कम 2 लाख रुपये की आमदनी नहीं है। और उसको प्रसार और उसका ट्रेनिंग और उसका हाथ पकड़ के जाके